सारे लोग अभी घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, आप क्या करिए इस लॉकडाउन में? मेरे पास ढेर सारा काम है और मैं बोर नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घर पे रहना कोई बोरियत फील करना होता है। आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ढेर सारे काम हैं करने के लिए। और जब हम लॉकडाउन में नहीं थे, आप थोड़ा सा पीछे जाइए जनवरी फरवरी में, तब कई लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती होगी कि घर वालों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हफ्ते में एक दिन मिलता है, एक घंटा मिलता है, किसी को एक घंटा भी नहीं मिलता है। तो जिन जिन लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें थी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं, खुद को वक्त दे सकते हैं। जो चीज़ आपने नहीं सोची कि हाँ कि मैं ये कर सकता हूँ क्या, वो आप कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए चाह और वक्त दोनों बहुत ज़रूरी होता है, और इस वक्त तो आपके पास दोनों हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप बोर फील करोगे, अगर कुछ भी आपकी इंटेंशन अच्छी है तो भी पॉजिटिव। बिल्कुल सपना, जैसे कि और हम सब जानते हैं कि आप कितना काम करती हैं, स्टेज करती हैं, गाना करती हैं, फिल्मों में गाने करती हैं, बहुत सारी चीजें आप एक साथ करती हैं। आपको खुद एक बार आपने कहा था मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पाता, अभी जो समय आपको मिला है तो उसे कैसे आप यूटिलाइज कर रही हैं? मैं यूटिलाइज करती हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का टाइम नहीं लगता था, मैं किताबें पढ़ रही हूँ बहुत सारी, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में जाके चीजें जब ठीक हो जाएंगी वापस जिंदगी वैसी हो जाएगी, उतना ही बिजी शेड्यूल होगा, वो ही वक्त होगा, उतना ही टाइम हम खुद को दे पाएंगे। तो जो जो चीज़ मैं सोचती थी कि यार अगर वक्त मिलेगा तो ये चीज़ करूँगी, वो मैं कर रही हूँ। मैं किताबें पढ़ रही हूँ, अपनी पूरी नींद निकालती हूँ, मैं 12-12, 11-11 घंटे सो रही हूँ, खुद को वक्त देने के लिए नई नई कोशिशें कर रही हूँ, रोज़ रूटीन में रेगुलर मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे लगता था कि मैं मेकअप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप देखोगे आज मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा सा मेकअप किया है। तो जो चीज मैं नहीं कर पा रही थी वो चीज मैं भी कर रही हूँ। और ढेर सारे लोग थे जिनसे मैं कभी कनेक्ट नहीं हो पाती थी, मैं बात नहीं कर पाती थी, वक्त नहीं हो पाता था, वो कर रही हूँ। बाहर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जितना मुझे घर का खाना दोगे, इनफैक्ट मुझे प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट के जो रोटी खाने में मजा आता है, मुझे किसी सब्जी में मजा नहीं आता। मैं मतलब जो चीज़ नहीं कर पाती थी वो चीज़ मैं कर रही हूँ। मैं कुकिंग कर रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया खाना बनाए, मैं घर में झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप नहीं कर पाते थे, और अभी बहुत मज़ा भी आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कि नॉर्मल लाइफ भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ज़िंदगी में, लोग भागने के चक्कर में भूल ही गए हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को प्यार करना है, किसी को ये करना है, किसी को फलान करना है, किसी को धमकान करना है। आपने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि भगवान ने एक बड़ी अच्छी सी एनर्जी इंसान के अंदर डाली है, खुद को महसूस करना, कि आप अपनी जियो पहले, बाद में चीज़ों को सोचो देखो और हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आप अपने आप को ही महसूस करना छोड़ दोगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीना। और वो फिलहाल आपको वक्त मिल रहा है तो क्यों नहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि देश में ये चल रहा है, देश में वो चल रहा है, हम हमारे को ये हो जाएगा, हमारे को वो हो जाएगा। अपनी सेफ्टी भी रखो और अच्छे से जियो, टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम को देखो कि आप इस टाइम से क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।